मैं आपको बताना चाहता हूं कल की जो लाठीचार्ज हुई वो किस मुद्दे को लेके हुआ। एक बड़ा सीधा मुद्दा है, सरल सा मुद्दा है, एमएसपी। किसान सूरजमुखी की अपनी उपज फसल पे एमएसपी की मांग कर रहे थे कि एमएसपी पे खरीद हो। आपको ये पता है कि जो एमएसपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के जीवन को समर्थन देने के लिए न्यूनतम। और इसका निर्धारण किसान नहीं करता, इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार निर्धारण करते समय केवल यह देखती है कि जो खर्चा आए फसल को तैयार करने में कम से कम वो खर्चा पूरा हो जाए। ये आज एमएसपी का फॉर्मूला इस देश में। सरकार किसान के प्रति वायदा खिलाफी में स्वयं अपने कीर्तिमान को, एक कीर्तिमान को तोड़ने का काम करती है। पहले आमदनी दुगनी का कीर्तिमान सरकार ने, आमदनी दुगनी का वायदा किया और उस वायदे को तोड़ने का काम किया। आमदनी दुगनी हुई नहीं 2022 तक, खर्चे दुगने हो गए, कर्जा दुगना चढ़ गया किसान पर। और हमने मांग उठाई तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब एमएसपी की गारंटी पर एक कमेटी का गठन करने का सरकार ने आश्वासन दिया, ना कमेटी बनी ना एमएसपी गारंटी हुई। और ये लाठीचार्ज इस बात का भी प्रतीक है। आपको याद होगा किसान आंदोलन में बीजेपी के सारे मंत्री कहते नहीं थकते थे कि एमएसपी तो है ही, हम एमएसपी पे खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संसद में कई बार कहा कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं और हम एमएसपी पे खरीदेंगे। अगर एमएसपी पे आप खरीद रहे थे और खरीदोगे तो कल क्या हुआ, मैं आपको कल का जो मूल मुद्दा है वो भी बताना चाहता हूं। सूरजमुखी पे इस साल 6400 रुपए की का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुआ था। आज निजी खरीदार बाजार में 3500 और 3800 रुपए में सूरजमुखी खरीद रहे। सरकार ने सरकारी खरीद शुरू नहीं करी, लगातार 5 बार सरकार से बातचीत हुई कि आप सरकारी खरीद शुरू करिए 6400 में। सरकार ने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तारीख पर तारीख देने का सरकार ने काम किया, लेकिन खरीद शुरू नहीं हुई। और उसके बाद अंततः सरकार ने कहा कि भावांतर में ले लिया जाएगा इसको। भावांतर एक हरियाणा की योजना है, कुछ और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश आदि में भी एक योजना ये लागू है, जिसमें सरकार जो फसलें जिनपे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता उनको लगभग लेना काम करती है, जैसे आलू टमाटर, लेकिन वो भी फेल हो चुकी है योजना। उनकी डिटेल में मैं पहले भी आपसे सारा साझा कर चुका, अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार ने कहा भावांतर योजना में लेंगे हम इसको, और भावांतर में 1000 रुपए सरकार, तो 1000 रुपए 3500 से 3800 अगर निजी खरीदार खरीदेगा, 1000 रुपए भावांतर भी आप मान ले कि मिल जाएगा, जो कि मिलता नहीं है, फेल हो चुकी योजना। उसके बावजूद 1400 रुपए का 1600 से 1900 रुपए, यानी कि 1500 से 2000 रुपए लगभग का किसान को प्रति क्विंटल घाटा, 1500-2000 रुपए का। यह स्थिति है एमएसपी की। और यह एमएसपी किसानों ने नहीं डिक्लेयर करी, मैं बार बार कहना चाहता हूं, यह एमएसपी सरकार डिक्लेयर करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे अगर एक क्विंटल में 1500-2000 रुपए कम में अगर जाएगा तो किसान क्या करे। और इस बात को लेकर अपने मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार की आपने एक न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, उस पर खरीदारी करिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन सरकार ने जिस लठतंत्र का इस्तेमाल किया है वो देखकर पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश का किसान शर्मसार हुआ है। मैं समय पर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के बाद समय समय पर यह मांग उठती रही कि किसान को पूर्णतः लाभकारी मूल्य मिले, खर्चे के साथ साथ मिनिमम 50% का मुनाफा मिले। लेकिन
आज वो विषय भी गौण्य हो गया क्योंकि ये सरकार इतनी किसान विरोधी निकली कि आपको याद होगा कि तीन ऐसे कृषि कानून लेके आई कि एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य का कंसेप्ट ही उसमें धूमिल हो रहा था। तब एक किसान आंदोलन उठा देश में, एक साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आंदोलन में। जो धरने दिल्ली के आसपास हर बॉर्डर पे जो धरने आपने देखे, वहां से 750 शव उन धरनों से वापस अपने गांव में पहुंचे, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए, चिराग बुझ गए। इतनी कुर्बानियों के बाद जो देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन जो इतना व्यापक हो, इतना लंबा चला हो, जिसमें इतनी ज्यादा जानों की कुर्बानी देनी पड़ी हो, प्रजातांत्रिक सरकार से अपनी जायज मांग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए देश के सामने और कहा कि आंदोलन वापस लो किसानों से, और इन आंदोलन की वापसी में जो सरकार ने आश्वासन दिया, वो दो आश्वासन दिए, एक तीन कानूनों को वापस लिया जाएगा और दूसरा एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनेगी। आज उस बात को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गए, वो कमेटी सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी का कोई जिक्र नहीं था। उस कमेटी में जो सरकार के खास आदमी हैं, केवल उनको जगह मिली, ऐसे लोगों को जगह मिली जो या तो ब्यूरोक्रेट थे या खेती से जिनका लेना देना नहीं था, ऐसे लोग उस कमेटी में बिठाए गए जिनको गन्ने और सरकंडे में फर्क नहीं समझ में आए, और किसान यूनियंस ने उस कमेटी का शुरू से ही कहा कि कमेटी हमारे लिए मान्य नहीं होगी। 1.5 साल से उस कमेटी का क्या हुआ, उसकी बैठक हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर, 6वीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज के आदेश, लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेके अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा, उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद आ गई है। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, ये किसान है तो केवल धनवान की। नारा था इस देश का नारा, जो इस देश के गांव गांव, देश के खेत गली गलियारे में गूंज जिसकी उठती थी, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा, जय जवान जय किसान। अब उस सरकार ने नारे को बदल दिया है, पिटे किसान जय धनवान, ये नारा इस भाजपा का है। हमारी मांग है कि तुरंत सूरजमुखी फसल की एमएसपी पे खरीद की जाए, ना सिर्फ हरियाणा में मगर उत्तर भारत में। हमारी मांग है कि कल जितने किसानों को सरकार ने गिरफ्तार किया उनको रिहा किया जाए, जिन किसानों को गंभीर रूप से चोट आई है उनको सरकार द्वारा
आर्थिक सहायता डिक्लेयर की जाए और एमएसपी की कमेटी जो किसान आंदोलन के समय सरकार ने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देश के सामने आकर जिसका वादा किया था कमेटी बनेगी, उस कमेटी को ठीक ढंग से उसका क्रियान्वयन करके तुरंत एमएसपी को लीगल गारंटी दी जाए।